सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 181 श्री सुरेश नारायण धारोकर। क्वेश्चन नंबर 181 माननीय मंत्री जी सभा पटल पर रखा गया। सर, देश भर में भरपूर मात्रा में दी जाने वाली कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोविड-19 के नए प्रारूप ओमिक्रॉन में कितनी असरदार है? क्या इस नए वेरिएंट के इलाज हेतु कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं? अगर हाँ तो उसका क्या आधार है? नए प्रारूप ओमिक्रॉन की असरदार जांच हेतु समस्त देश में कितनी प्रयोगशालाएं कार्यान्वित है और क्या यह पर्याप्त है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ओमिक्रॉन वायरस 19 नवंबर को दुनिया में पहली बार पाया गया और अफ्रीका में ओमिक्रॉन का केस 24 नवंबर को रिपोर्ट किया गया। उसके बाद दुनिया में कई कंट्री में रिपोर्ट होने लगा। 1 नवंबर को इंडिया में भी ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसेस के दरमियान पाया गया। आज दुनिया में 59 कंट्री में ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है और सारी जगह में, दुनिया में सभी जगह पे वैक्सीन उसके पर कितनी इफेक्टिव है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या फाइजर की वैक्सीन हो, कितनी है इफेक्टिव उसके पर उसका वायरस को लेबोरेटरी में डेवलप करके स्टडी हो रहा है और इस स्टडी के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टेड है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, ये आंसर मुझे पूरा नहीं आया है। आपके माध्यम से मैं बोला है कि समस्त देश में कितनी प्रयोगशालाएं कार्यान्वित है और ये क्या ये पर्याप्त है? जीनोम सीक्वेंसेस के लिए देश में 36 लेबोरेटरी आज के दिन में उपलब्ध है और ये 36 लेबोरेटरी में 30,000 हम जीनोम सीक्वेंसेस कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है आज के दिन में और एक कैपेसिटी प्राइवेट लेबोरेटरी का उपयोग करके बढ़ाई भी जा रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन राजबहादुर सिंह सप्लीमेंट्री पूछ लेना आपने। सेकंड पहले का ही आंसर था, पहले का ही था। सर सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, संभावित तृतीय लहर में शिशु या छोटे बच्चे प्रमुखता संक्रमित होते तो क्या तकनीकी आधार है एवं उनमें लक्षण और प्रभावशाली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिशा निर्देश चयनित किए हैं तथा प्रथम व द्वितीय लहर में पीड़ित लोगों में किस प्रकार की पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन देखी गई और भविष्य में उपचार हेतु उनका उपयोग किस प्रकार से होने की संभावनाएं हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस ये बहुरूपिया वायरस है। समय समय पर वो म्यूटेट होता है और म्यूटेट होके वेरिएंट बदलता रहता है और समय समय पर जिस वेरिएंट और जिस तरह से उसकी इफेक्ट पाई जाती है उसको देखते हुए एडवाइजरी जारी होती है, प्रोटोकॉल तय होता है। ये सभी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से जो भी एडवाइजरी और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए सूचना दी जाए उसका देश पालन करे, ये आवश्यक होता है। श्री राजबहादुर सिंह, क्वेश्चन नंबर 181-183 क्लब किया जाता है। श्री एन के प्रेमचंद जी, क्वेश्चन नंबर 183। सर, क्वेश्चन नंबर 183 माननीय मंत्री जी रखा गया है। सर, थैंक यू वेरी मच। सर सर, इंडिया स्टार्टेड वैक्सीनेशन ऑन 16 जनवरी 2021। सो फार 6 वैक्सीन हैज ऑलरेडी बीन एडमिनिस्ट्रेट इन इंडिया एंड द स्टेटमेंट ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर विच गोस टू शोज दैट 51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट इज द स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, हैज ऑलरेडी बीन administered by this vaccination.
Sir, I would like to know from the Honorable Minister, because of the new variant, that is Omicron variant from South Africa, and it is creating big apprehension among the people, and also it is being learned from the newspapers, from the media reports, that this booster dose has already been started. And in the discussion on the vaccination, in the discussion of the COVID-19 also, I have put the very specific question, but unfortunately, the minister did not answer to that question. I would like to know from the Honorable Minister, what is the booster dose policy of the Government of India? Whether it is being insisted or it will be administered to the people, because in foreign countries, especially in the developed countries, they have already started the booster dose. Even after the two doses of vaccination, again this infection, virus infection is being there. In such a situation, whether it is being made mandatory so as to provide this vaccine, that is booster dose of vaccine, will be given to the people? If so, when? And also, I would like to know from the Honorable Minister, what is the target of completion of the two-dose vaccination? Still, it is less than 51%. What is the target which has been fixed by the Government of India for the complete vaccination of the targeted population? Thank you very much, sir. Maniya Adhyaksh Mahoday, Premchandran Ji ne jo kaha, hum to chahte hai ki jald se jald 100% tikakaran ho jaye. और आज दुनिया में इंडिया मिसाल है, जिन्होंने 86% फर्स्ट डोज ऑलरेडी लगा दिया है. मैं दुनिया का ये कैसे और दुनिया में कितना डोज लगा है वो दिखाऊँ तो उसके सापेक्ष में इंडिया ने बहुत बेस्ट करके दिखाया है. आप यूएसए में देखो 77.0% फर्स्ट डोज लगा है, 59% सेकंड डोज लगा है. जर्मनी में 72% फर्स्ट डोज लगा है, 69% सेकंड डोज लगा है. फ्रांस में 80% फर्स्ट डोज लगा है, सेकंड डोज 78% लगा है. रशिया में 46% फर्स्ट डोज लगा है, पोलैंड में 55% लगा है, टर्की में 67% लगा है, साउथ अफ्रीका में 30% लगा है, नेदरलैंड में 76% लगा है, इटली में 78% लगा है, वियतनाम में 75% लगा है, बेल्जियम में 77% लगा है, ब्राजील में 78% लगा है और स्लोवेकिया में 48% लगा है. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 193 देश है ना. माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडिया ने आज 86% फर्स्ट डोज लगा दिया है. 7 करोड़ डोज राज्यों के पास आज के दिन में भी पड़ा हुआ है. मैं प्रेमचंद्र जी के अलावा सभी माननीय सांसदों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में जुम्बेश और एक अभियान चला के वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाएं. हाँ, बूस्टर डोज पॉलिसी, काइंडली एनलाइटन द हाउस रिगार्डिंग द बूस्टर डोज पॉलिसी ऑल्सो, बिकॉज आई विल पुट द अध्यक्ष महोदय, मैं जब कोविड पर चर्चा चल रही थी उस दिन ही बता चुका हूँ कि देश में हमारे पास दो एक्सपर्ट ग्रुप है, एक है नेगवाक और एक है इंटागी. वो दोनों ग्रुप, एक ग्रुप वो रिसर्च करता है वैक्सीन पर और अपना ओपिनियन देता है, एक ग्रुप इम्यूनाइजेशन कब करना है कैसे करना है उसके ऊपर एडवाइस करता है. ये दोनों ग्रुप साइंटिफिक ग्रुप है और उस दिन भी मैंने कहा था कि हमें पॉलिटिकल डिसीजन लेना है तो ये यहाँ ऐसी तैसी जो भी बहस कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा देश के साइंटिस्ट पर भरोसा है. दुनिया भी हमारे साइंटिस्ट की सलाह लेते हैं, जब हमारे साइंटिस्ट कहेंगे तब हम ये पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे. राजीव रंजन सिंह जी, आपका सप्लीमेंट्री ने अलाउ कर दिया है, सेकंड अलाउ किया ना आपको, सेकंड में आपने बूस्टर डोज का पूछा ना, उन्होंने बूस्टर डोज का जवाब दिया. इतना तो नहीं हूँ कि मैं सेकंड में ध्यान ही नहीं हूँ मेरा. आपने सेकंड सप्लीमेंट्री बूस्टर डोज का पूछा है. ना ना ना, बहुत फास्ट था और बूस्टर फास्ट था. आप पूछ लो कितना भी जवाब मत दीजिए, सक्षम में जवाब दे देंगे. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर, इन माय स्टेट ऑफ केरला वंस इट वाज model, everybody has declared it as the model to the whole nation and even to the globe.
But unfortunately, nowadays it is seen that the more than 55% of the cases reported in the country is from the state of Kerala. The mortality rate is also very high. Well, I would like to know from the Honorable Minister whether the government of India, especially the Union Ministry of Health and Family Welfare or ICMR, has conducted any research or study or analysis of the situation prevailing in the state of Kerala once it has done in a better way. And now it is being the highest worst in the country. Whether any study has been conducted, if it, so, kindly give us the details. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केरला में पर डे 30,000 केस आ रहे थे, उस वक्त मैं स्वयं केरला गया था, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के साथ विस्तार से बातचीत की थी और केरला में कई हॉस्पिटल का भी मैंने मुलाकात किया था और उस वक्त और एक एक्सपर्ट टीम को भी भेजा था। इस टीम एक्सपर्ट टीम ने वहाँ चार पांच डिस्ट्रिक्ट में प्रत्यक्ष जाके मुलाकात लेके कई सुझाव दिए थे और ये सुझाव वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे, इसके लिए आग्रह भी किया था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो गाइडलाइन डिक्लेयर की है उसको अच्छी तरह से फॉलो करने से हम कोविड में अपनी सुरक्षा को पा सकते हैं। राजीव रंजन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन लगाने के मामले में देश ने इतिहास कायम किया है, इसके लिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और वह भी वैक्सीन, देश में निर्मित वैक्सीन लगाया गया। लेकिन जो जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो कोविड का जो वायरस है वो वेरिएंट अपना बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। पहले जो प्रारंभिक दौर में आया, फिर डेल्टा वेरिएंट कन्वर्ट होके आया और अभी ओमिक्रॉन आया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो था वो ज़्यादा घातक था, वो सीधे फेफड़े को असर करता था और उसके कारण देश में एक अफरा तफरी का माहौल हुआ। हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की जो चर्चा है उसका क्या प्रभाव और कितना प्रभावी है डेल्टा के कंपैरिजन में, या कितना घातक है वो, क्या इस पर सरकार ने कोई अध्ययन किया है, और अगर अध्ययन किया है तो उसका क्या परिणाम है? अध्यक्ष महोदय, जब से डेल्टा वेरिएंट की बात आई है और देश में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ, आज 23 केस है ओमिक्रॉन का, तो ओमिक्रॉन का 23 केस आज देश में दिखाई दे रहा है। और हमने रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हुआ, क्या हो रहा है, जहां डेटा, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। श्री राम शिरोमणि वर्मा। राम शिरोमणि वर्मा, 183 नहीं, 183 नहीं, आप तो आपका क्वेश्चन थोड़ी 183 आप जी सर, क्या आप तो सलिमेंट्री पूछो सर। सर, क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आप बताने की कृपा करेंगे कि विश्व में कई देशों में कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की तीसरी लहर, जिसका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा देखा जा रहा है, को देखते हुए जहाँ 18 वर्ष से कम बच्चों का टीकाकरण जो विदेशों में लगना शुरू हो गया है, क्या अपने देश में भी 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या सरकार जल्द से जल्द टीकाकरण करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात की ओमिक्रॉन की इफेक्ट पर बच्चों पर, अभी ओमिक्रॉन वायरस की स्टडी की जा रही है, WHO ने भी वही बात कही है और हमारे साइंटिस्ट भी वही बात कह रहे हैं और वो जब अपना ओपिनियन देंगे तब उसके पर विचार किया जा सकता है। श्री मनीष तिवारी जी।
स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, यू नो आई हैव हैड द अनफॉर्चुनेट ओकेजन ऑफ डीलिंग विद द पोस्ट वैक्सीन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर ओवर द लास्ट टू और थ्री मंथ्स एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री एंड दे टेल मी दैट इंक्रीजिंगली there is empirical evidence which is emerging to show that there are vaccine related complications which are taking place. My question to the honorable minister, Mr. Speaker, sir, through you is, has the Indian Council of Medical Research or any other medical body conducted any kind of research or any kind of empirical evidence has been gathered to determine that what really is the incidence of post-vaccine complications, and has the government really institutionally taken a view as to how to deal with it and surmount it? माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी स्वयं की तासीर, अपनी बॉडी, हर बॉडी का अपनी अपनी तासीर होती है, उसके मुताबिक कभी कोई वैक्सीन की साइड इफेक्ट जब उसको अप्रूवल मिलती है उसके पहले डिटेल स्टडी की जाती है और बाद में ही वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाता है, और उसके अलावा भी कभी कोई अपनी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट होती है तो वो अस्पताल जाते हैं और वैक्सीन से हुआ है ऐसा कोई उसको वहाँ प्रूफ होता है तो आगे की बात होती है माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह है कि बिना कारण से ऐसी ये विषय वैक्सीन से ये हुआ, ये वैक्सीन से हो तो फिर से वैक्सीन की हेजिटेंसी होने लगेगी। एक बहुत प्रयास से अवेयरनेस के बाद वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, उसको वेग देना चाहिए, सहयोग। क्वेश्चन नंबर 182, श्री एम श्रीनिवास रेड्डी। माननीय मंत्री जी, पटल पर रख दिया है। श्री तिरुना वक्रासर, नहीं तो। माननीय मंत्री जी, सर उत्तर सभा पटल पर। माननीय सदस्य, प्लीज ऑनरेबल मेंबर आस्क क्वेश्चन। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर एज पर द मिनिस्टर स्टेटमेंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ओनली 84.13 crore is approved for 2021 throughout the country wise. So we have got nearly 550 districts in the country. So this amount allotted district wise is very very meager amount. Whether the government will try to increase the amount district wise and sir, whether it is true that developed countries allocate 5 to 18% for the annually for the health care budget for mental health, and whether it is true that India is allocating only roughly 0.05% only for the mental health, I mean health care, and the budget estimate 2017-18 was 3.5 million rupees. In 2018-19 it was 5 million rupees. Sir, whether it is true that that amount has been reduced, allotment is reduced in 2019-20, it is reduced to only rupees 4 million. And this year 21-22 also it has come down only 4 million. Why this amount every year is getting reduced while the disease is increased? Youngsters of this country and women more affected due to this COVID, also lot of people are affected. But the amount, why the amount is getting reduced year by year? Whether the government will try to increase the amount, and whether the government, central government, will help to establish state-wise
mental health care programs? Honorable Minister, please answer. सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वो मेंटल हेल्थ को रिलेटेड है. उन्होंने सवाल किया है कि अध्यक्ष महोदय, हम फंडिंग कम दे रहे हैं. मैं आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहूँगी कि अलग अलग लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, अलग अलग लेवल पे सरकार काम कर रही है. प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे सर हम जो फंडिंग देते हैं वो स्टेट से, जो भी NHM के अंडर हमें PIP मिलता है, चाहे वो किसी ज़िले से हो, किसी भी स्टेट ने अगर हमें अप्रूवल दिया है, प्रपोजल दिया है, तो हम उसे अप्रूव करते हैं. और जिस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा ये निधि दी जाती है, अभी हमने 692 ज़िलों में जो जिनके यहाँ से वो प्रपोजल मिले हैं वहाँ पे हमने राशि आवंटित की है. कम से कम 4 लाख एक ज़िले को मिल रहे हैं और 12 लाख उसी ज़िले को अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा, जो कि हम बच्चों को या महिलाओं को रिलेटेड हो, उसके अवेयरनेस के लिए हो, चाहे उनके लाइफ स्किल प्रोग्राम के लिए हो, चाहे अलग अलग माध्यम से अवेयरनेस हो, इसके लिए वो दिया जाता है. और इसके अलावा टर्शरी केयर में सर, हम हमारे 3 इंस्टीट्यूट है, जो बेंगलुरु में है, जो आसाम में है, जो रांची में है, उसके लिए अलग अलग आवंटित राशि आवंटित की है, जो कि लगभग 600 करोड़ है. तो मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, अगर हम जिला लेवल से ये प्रपोजल स्टेट से आते हैं तो केंद्र सरकार इसके लिए राशि आवंटित करती है. धन्यवाद. सर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थ्रू आउट द कंट्री एंड इट हैज अलॉटेड 35 क्रोर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ additional courses, additional facilities in the medical colleges. And in this program, how many medical, common medical colleges are selected from Tamil Nadu? And what is the amount allotted to government colleges selected in Tamil Nadu? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहूँगी कि जैसे टर्शरी केयर में हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस को भी काम करते हैं, और PG डिपार्टमेंट, जो कि ये अलग अलग मेडिकल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट को लेके है, तो सर वो अभी 19 ऐसे इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज को लेके हम उसको काम कर रहे हैं. और सर, रिगार्डिंग तमिलनाडु, उसका ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ डिटेल. थैंक यू. क्वेश्चन श्री सतपाल सिंह जी. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी और विशेष रूप से COVID-19 के बारे में नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पहले के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और वर्तमान के हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई जी का, उनका मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ. आप प्रश्न पूछो ना. मेरा सवाल ये है अध्यक्ष जी कि मानसिक बीमारियों के बारे में भारत सरकार जितना ज़्यादा खर्च उनके नियंत्रण में, उनकी दवाइयों पर खर्च करती, लगभग 99% दवाइयों पर खर्च होती है या बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं दी जाएंगी उसके ऊपर खर्च होती है. हम लोग जो है बरसों से सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से हम लोग उसको रोकथाम कैसे कर सकें. मेरा उसमें कहना है कि जो आज जो है जो सर्वे हुआ है कि 10.6% जो है 18 साल से ऊपर के उम्र के जो लोग हैं उसमें मानसिक बीमारियां आ रही हैं. आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया किन किन कारणों से मानसिक बीमारी होती है, जो है गर्भावस्था से लेकर के बाद में. कि मैं माननीय मंत्री जी, सवाल मेरा ये है कि आयुर्वेद के अंदर हमारे प्राचीन जो हमारा नॉलेज सिस्टम है उससे लेकर के और एलोपैथी के साथ मिलाकर के क्या भारत सरकार इस पर को रणनीति तैयार करेगी ताकि हमारे बच्चे, हमारी जो जनता है वो मानसिक रूप से रोगी न हो पाए. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेंटल हेल्थ एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और भूतकाल में उसके ऊपर काम भी बहुत कम हुआ है और जनता में उसके प्रति थोड़ा फोबिया भी होता है और स्वयं भी मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करना थोड़ा संकोच भी महसूस करते हैं और इसलिए मेंटल हेल्थ फोकस में नहीं आता था. लेकिन मेंटल हेल्थ
थी ही, और मानसिक दर्द और उसका इलाज करना बहुत आवश्यक है और उसका इलाज हो भी सकता है, और इसलिए भारत सरकार की ओर से 3 इंस्टीट्यूट तो काम कर रही है। और हमने सबसे ज़्यादा ये पाया गया जब लॉकडाउन चल रहा था, लोग घर में थे तो उसके लिए बहुत कॉल भी आते थे, हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी चालू किया, वो वहाँ प्रत्यक्ष अपनी समस्या कॉल करके बता सके, मेल करके बता सके, तो हम तुरंत ही एक्शन मोड में आए और उसको कंसल्टेशन देना चालू किया, उसके साथ बातचीत करना चालू किया, और उसको सजेस्ट भी किया गया कि आप नज़दीक की यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ काउंसलिंग करिए। माननीय सदस्य महोदय ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आयुर्वेद और एलोपैथिक को मिक्स करके उसके लिए कोई थेरापी आप तय कर सकते हो। हमारे यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजिकल, हमारी सामाजिक रचना ही पहले तो ऐसी थी, ये रचना के तहत फैमिली में कोई एक फैमिली जॉइंट फैमिली हुआ करता था, जॉइंट फैमिली में साथ में रहते थे, और जब बच्चे को कोई उसकी माँ थोड़ी सी एक टपली मार देती थी तो वो दौड़ के अपने दादी के गोद में चले जाते थे और दादी उसको संभालती थी, कहती थी कि तेरी मम्मी को मैं डांटूंगा, ऐसा करते थे तो बच्चा मेंटली ठीक हो जाता था, क्योर हो जाता था, उसके मन में जास्ती नहीं होती थी। ये सारी हमारी सोशल इंजीनियरिंग भी इतना अच्छा था, सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी, उसमें से भी उसको ट्रीटमेंट मिल जा सकती थी, और उसकी ट्रीटमेंट एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी चिकित्सा से मिक्स करके आज करनी ही चाहिए, और उसकी दिशा में हम फोकस काम कर रहे हैं। श्रीमती महुआ मोहित्रा, थैंक यू सर। With your permission, I'd like to ask, bring one issue and ask the Honorable Minister one thing, is that during COVID, we saw that a lot of our parents, our grandparents, because of COVID, all of us were worried. We told them, don't go out of the house, don't go anywhere. So, for example, my parents, touch wood, did not get COVID. A lot of people did not get COVID. But staying in the house, continuously locked up for older people above 60, could not go for a walk, could not go out, could not see anybody. They are suffering from depression, anxiety, and a lot of other issues. A lot of people's children stays away. So as part of COVID protocol, as far as... Aapka prashna kya hai, ma'am? Prashna hai ki going forward, is the government thinking of something where we have community helplines or the health department set up community helplines as part of COVID management to call on over 60s to see if they are mentally okay? Because just because they have not got COVID... Ji. अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, जो कि एक पेरेंट्स को लेके हो, एल्डरली पीपल या हमारी महिलाओं के बारे में हो। सर, गवर्नमेंट हैज़ टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग दिस कोविड-19 एंड आफ्टर पोस्ट कोविड आल्सो। सर, हमने ऐसे कई हेल्पलाइन दी है कि जिसमें हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं बाय मेंटल प्रोफेशनल्स to the entire affected population, including the elderly women and all elderly people and children also. Also, sir, हमने कुछ guidelines भी जारी किए हैं हर एक state को, कि जो management for the mental health issues को advisory दी है। media platform से awareness के लिए भी sir काम हो रहा है। sir, अलग अलग तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या फिर अवेयरनेस के माध्यम से, और सर वेबसाइट भी जारी की है जिसमें आप हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से हम वो वेबसाइट बिहेवियरल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन भी दी है। सर, दीक्षा प्लेटफॉर्म आई गॉट से ट्रेनिंग भी दी है कि जिसमें हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें, और दैट ट्रेनिंग थ्रू हम ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द हेल्थ वर्क इज ऑल्सो डूइंग। क्वेश्चन नंबर 184, श्री चंद्रशेखर प्रसाद। नंबर 184, रक्षा मंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री जी, सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, नए अतिक्रमण की सतर्कता, पहचान और रोकथाम सुनिश्चित करने की जरूरत है। रक्षा विभाग का बहुत सारा जगह जहाँ तहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है, और उसका रोकथाम नहीं होने से काफ़ी जगह जो है वह लोग अनधिकृत रूप से कब्जा में लिए हुए हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसको जल्द से जल्द इस पर कोई
व्यवस्था लागू किया जाए, अगर कोई लागू हुआ है तो उसकी जानकारी दी जाए। मान्यवर, कुल 9,505 एकड़ रक्षा भूमि आज के दिन तक इंक्रोच की गई है और 477 एकड़ भूमि अकेले बिहार राज्य में है। बिहार के बारे में मान्यवर आपने पूछा है, जिसमें से 338 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हथवा एबेंडेंड एयरफील्ड गोपालगंज बिहार में है और 53 एकड़ राज्य सरकार की इकाइयों के द्वारा अतिक्रमित की गई है। हमने बहुत से ऐसे उपाय किए हैं कि कितनी भूमि आपने कहा है अभी तक खाली की गई है वो मैं से लिखित दिया है। और आप तो बताओ आपकी पॉलिसी क्या है कि डिफेंस की जमीनों पर कब्जा करने की सरकार की पॉलिसी क्या है, बस वो पूछा है, उसका जवाब देता हूँ। जी, हमने बहुत सारे कदम इसमें उठाए गए हैं। एक तो हमने कंप्लीट लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया गया है, जितने भी रिकॉर्ड होंगे। दूसरा, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत डिफेंस लैंड की GIS लेयर डेवलप कर दी गई है और रिकॉर्डेड जो हमारी इंक्रोचमेंट की गई लैंड है उसे अलग से GIS लेयर उसकी क्रिएट की गई है, जिसकी उसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। मान्यवर, एक हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें ड्रोन सर्वे की जा रही है और जिससे हमने ड्रोन सर्वे में हमारा महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में 3,37,00,000 जो एकड़ भूमि है उसकी सर्वे 2 महीने में हमने की है जो इंक्रोच थी। इसी तरह से हमने और पॉकेट्स पर भी इसी तरह फील्ड फायरिंग जहां जहां पर हैं हमारी रेंज उनको भी दिखवा रहे हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलप किया गया हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से न्यू जो कंस्ट्रक्शंस करे गए हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा रहा है। धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब। कोई पॉलिसी बता दी अब कोई? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 185, श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो। क्वेश्चन नंबर 185, माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट टेबल पे रखा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आपके द्वारा दिए गए उत्तर से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारी सरकार देश की न्यायालयों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। साथ ही माननीय मंत्री महोदय से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र पुरुलिया सहित जंगल महल के जिलों में ई न्यायालय मिशन मोड परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और देश भर के न्यायालयों में जो सालों से लंबित केस है, डिजिटलाइजेशन से इन केसों को कम करने की कितनी सहायता मिलेगी? माननीय मंत्री जी, सर, सारे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो, उसको कम्प्लीटली डिजिटलाइज करने का जो एक प्रोसेस है वो बहुत ही व्यापक रूप से चल रहे हैं। जहाँ तक पश्चिम बंगाल और उनके संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछा है वो इन्फॉर्मेशन मैं अलग से दे दूँगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा देश का ब्यौरा दे सकता हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी को मैं अलग से उसका इन्फॉर्मेशन भेज दूँगा। कॉम्प्लीमेंट्री, धन्यवाद। डॉक्टर मनोज राजौरिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे कानून मंत्री जी को बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कोर्ट्स को जो ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की गई है और उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे विश्व में सबसे अधिक डिजिटल केस जो सुनवाई की गई है और आज विश्व के लीडर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1.5 लाख केसों की सुनवाई कोविड के इस दौरान में की है। इसी प्रकार से हाई कोर्ट्स ने भी 55,24,000 से ज्यादा सुनवाई की है। आपको जवाब देने के लिए थोड़ी कहा है, एक आप क्यों संख्या, आप तो पूछो प्रश्न। अच्छा काम किया, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। साथ में ही एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिन जिन जगहों पर
वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था नहीं की गई है और जो जवाब जो ई कोर्ट्स में सुनवाई कर रहे हैं उसका जवाब अभी तक ई जो होता है पोर्टल के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जो न्यायालय में ई कोर्ट्स की सुनवाई हो रही है उसका जो जवाब है उसकी प्रति भी ऑनलाइन मिले और साथ में ही जो अंग्रेजी में जवाब दिया जाता है साथ में अंग्रेजी के साथ में राजभाषा हिंदी और स्थानीय राज्यों की भाषाओं में भी क्या उसका ट्रांसलेट करके जो लाभार्थी को जो मिल सके ताकि उस न्यायालय के फैसले को वो समझकर उसका लाभ प्राप्त कर, क्या सरकार इसका विचार रखती है? सर सबसे पहले तो मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस कोविड के समय में हमारे जितने भी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे के जो कोर्ट हैं पूरी तरह से सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन जो भी टेक्नोलॉजी का माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है वो सराहनीय है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से भी बहुत प्रयास किया गया है कि हम किसी तरह से हम जो सुप्रीम कोर्ट में ई कमेटी बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के नेतृत्व में ई कमेटी बने हैं उसके साथ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बहुत क्लोजली मिलकर काम कर रहे हैं और जो वर्चुअल हियरिंग या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो जिक्र किया है और उन्होंने फिगर भी बताया इसके अलावा हम 21 हाई कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूल्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं सर और अतिरिक्त 28 हाई कोर्ट्स और 22 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एडॉप्ट किया गया है। आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज के रूप में हमारे भारत के अपने ही लोकल लेवल से इसका जो डेवलप किया गया है उसका और भारत वीसी और ये सारे चीज़ को शॉर्ट लिस्ट करके रखा है और उसको ट्रायल कर रहे हैं ताकि हम एक यूनिफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश भर के कोर्ट में लागू कर सकें ताकि सुविधा सबको बराबर हो। तो मेरे ख्याल से सर जो हम टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल करके इस वक्त सारा देश के कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल हियरिंग जो कर रहे हैं इससे लिटिगेंट्स को भी मदद मिला है और लॉयर्स को भी मदद मिला है और आगे चल करके जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको भी कम करने में मदद मिलेगा। श्री हसन मसूदी जी। जनाब स्पीकर साहब, ज्योग्राफी और टोपोग्राफी और कोविड की वजह से और फॉर फाइनेंशियल रीजन आप तो हाई कोर्ट में रहे हो, आप आज उस हाई कोर्ट में आज में क्या परिवर्तन हुआ ये पूछो। जब उस इस वजह से ये जो कोर्ट मुफसल कोर्ट है इट इज़ नाउ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है वो जाएं ऊपर वाली कोर्ट में। तो क्या स्टेप्स उठाए गए ताकि यहाँ भी एक रियलिटी बन जाए मुफसल कोर्ट में, खासकर मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से कहूँगा, शुपयां में, कुलगाम है, बाकी जो दूर दराज इलाके हैं, अगर इंसाफ फराहम करना है एट द डोर स्टेप तो वहाँ ही होना चाहिए ताकि उनको के लिए कोई मजबूरी न हो। तो क्या वो स्टेटस क्या है? और दूसरी बात है, जो कभी भी हमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंटरनेट पर पाबंदी लगानी पड़ती है तो ऐसी कोई व्यवस्था है ताकि उस पाबंदी से ये कोर्ट सिस्टम जो है डिजिटल सिस्टम में कोई ऐसा उससे दूर रहे और वो फिर भी वो सुविधा लोगों को मैसर हो ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। सर माननीय सदस्य खुद जज रहे हैं और मैं पिछले महीने जब कश्मीर घाटी गए थे तो उनके कलीग्स जो जजेस हैं वहाँ उनसे भी मिलना हुआ चीफ जस्टिस और लोअर जुडिशरी में भी कई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस नीचे सबसे मिले और जो माननीय सदस्य ने यहाँ जो अनुरोध किया या सजेशन दिया है उसको मैंने वहाँ कहा है कि ये सारा प्रपोजल जो भी है हमको आप लोग जो भी भारत सरकार से मदद चाहिए हम उसको कोशिश करेंगे जो हम हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपने कही है कि जो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम आदमी को तुरंत किस तरीके से जस्टिस दे सके, हम इंसाफ दे सके, मैं पूरा इस सदन में आपका भावना को कदर करते हुए मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जितना जल्दी तुरंत हम इंसाफ दे सके उस दिशा में हम कदम जो बढ़ रहे हैं और देश भर में जो हम डिजिटाइज करने का कार्यक्रम है वो बहुत ही जल्द संपूर्ण भारत में कंप्लीट हो जाएगा। श्री कल्याण बनर्जी जी। सर
विद ग्रेट रिस्पेक्टफुली आई एम सेइंग टू माय द ऑनरेबल मिनिस्टर विद अ वेरी लाउडेबल ऑब्जेक्ट यू आर प्रोसीडिंग नो डाउट अबाउट इट देर आर मेनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर दैट ऑल्सो आई एम अवेयर अबाउट इट द थिंग सर वॉट Mr. Sikdar has just now told that the problem is this in the really in the trial court, in the district courts. It has not yet been installed. It has to be seen first. Family courts are not functioning at all. Women are being deprived. Sir, I have a only question is this. You have, in your statement, it has been stated that 1,151.8 crores amounts have been released to various high courts for this purpose. This is the statement has been made. I will request you to just to give the break up for three high courts, nothing more than that I am asking. That is, one is Calcutta High Court, second is Allahabad High Court, and fourth, Bombay High Court and Gujarat High Court. These are the four high courts, how much amounts have been allocated. With respect, I have put these questions. As I have stated earlier also, for the details of all the states and union territories, I have already provided the details in the answer. The additional information of which honorable member has sought, I will definitely give entire details of how much money we have sanctioned, because we will have to consult with the High Court, the Registrar General and all. Otherwise, it's difficult for the Ministry of Law and Justice to seek the information directly from the court. And you know the procedure. Definitely, I will seek the information and provide it. But regarding the difficulties which we face, the department has constituted a committee, the Department of Justice, to ensure the e-court projects, which are located in far-flung areas, which are termed as technically not feasible. So this is a challenge which honorable member mentioned, and we have brought into the committee, Department of Telecom, the E-Committee of Supreme Court of India, NIC, BSNL, VD, that is an NGO, to prepare SOP for lodging complaints, capacity upgradation of WAN bandwidth, and the committee has recently submitted its report, and we are working on that. Question number 183, Maniya Sri Komti Reddy Venkat Reddy. Maniya Sadasya. Not. Srimati Ranjan Ben Bhatt. Maniya Mantri Ji. Patal par rakh diya hai. Question number 187. Sri Dayanidhi Maran Ji. Question number 187, sir. Maniya Mantri. Sir, Uttar Sabha Patal par rakh diya hai. Sir. The Madurai AIIMS is a very prestigious location for us in Tamil Nadu. The Prime Minister himself personally came and laid the foundation stone 2 years back. Now the minister has said that it's going to be completed in 2026. And they're going to take temporary occupation of government colleges to place the students. So my question is very simple. People, students and parents want to choose AIIMS because of the infrastructure, and it is AIIMS is much better compared to the other institutions in India. When you don't have your own AIIMS Delhi, especially in comparison to AIIMS Delhi, that's the image they have. In this situation, you don't have a campus, and it's very, very clear. The first batch of students will never be sitting in your own campus because the 5-year course will get over, and you're completing the building only in 2026. Sir, isn't it a letdown? Isn't the compromise, aren't you compromising the education of these students who are coming there thinking they're going to get the same standard or levels of Delhi AIIMS, sir? Adhyaksh Mahoday, aapke madhyam se main ye kehna chahungi ki PM SSY ke madhyam se jo naye AIIMS khul rahe hai aur kuch अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये काम चल रहे हैं उसमें आपने जो सदस्य महोदय ने जो चिंता जताई है कि ये काम कब तक पूरा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
जबकि 6 एम्स थे, अभी 22 एम्स खुलने जा रहे हैं, जिसमें ये 16 नए हैं। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मदुरई में जो काम है, वो मदुरई प्रोजेक्ट के लिए लोन जो है वो एक जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के थ्रू सर वो मिला है, और उसमें सर कुछ प्रोसेस लगते हैं, कुछ सर्वे लगते हैं सर, उसमें टाइम लगता है, और ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी भी अपॉइंट हो चुकी है। उसके बाद सर उसके कम्प्लीशन के लिए, जैसा कि हमने कहा, हर एक एम्स के लिए सर आप माननीय सदस्य को मेरी आपके माध्यम से ये विनती है कि सर ये प्रोग्रेस में है, और सर ये कंसल्टेंट भी उसमें अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, और उसके बावजूद सर बच्चों के लिए ये जो कॉलेज के लिए आपने चिंता जताई है, उसके लिए गवर्नमेंट ने सर स्टेट के लिए ये कहा है कि ये टेम्पररी आप सुटेबल टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टार्टिंग द फर्स्ट बैच ऑफ MBBS के लिए आप हमने रिक्वेस्ट भी किया है सर। सर, मदुरई के लिए हमारी उतनी ही अहमियत है और प्राथमिकता है जिस पे सरकार काम कर रही है। धन्यवाद सर। द एंटायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इफ अ इंडिविजुअल लाइक मी वुड लाइक टू स्टार्ट अ मेडिकल कॉलेज, आई शुड हैव माय ओन कैंपस, माय ओन बिल्डिंग। सो एज अ एडवोकेट यू नो दैट देयर आर सो मेनी केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट वेयर License have been cancelled for institution because they don't have their own building. National Council of Medical of India has very, very clear said and cancelled those licenses. How come AIIMS of Madurai or AIIMS in other part is borrowing, including Patna is borrowing building space from another government hospital? How are you excluded? Then if you are excluded, you should also do the same exception to other private medical colleges, and if so, have you got any exemption by the cabinet? Is there any law accepting you to do that? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और गुस्से करने का विषय नहीं है। यही सरकार है जिन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर उपलब्ध हो उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी चालू किया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जा रहा है, और देश के नागरिकों को बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर मिले इसके लिए देश में 22 एम्स स्टार्ट करने की लिए प्रावधान किया है और उसकी शुरुआत भी की है। उसमें से सर इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत ही नहीं बन जाता है, डिसीजन हो जाता है। डिसीजन होने के बाद एक प्रोसेस के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। लेकिन हम माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हम एजुकेशन क्वालिटी में कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे। हमारे बच्चे यही माइंडसेट के आएंगे जो एम्स ही है, और एम्स का स्टैंडर्ड का ही वहाँ एजुकेशन दिया जाएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कब भी तैयार हो, और उसके लिए जो प्रोसीजर हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो जाएंगे और बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी मिलेगा, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री VN बोरल कुट्टा जी, डॉक्टर मोहम्मद जावेद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये फेज़ 5, 6, 7 में 11 एम्स खोलने की बात थी, जिसमें से सिर्फ एक बिहार में है। सर, आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि जब सर्वे किया गया था तो सिर्फ किशनगंज एक ऐसा ज़िला था जिसने 200 एकड़ का रिटर्न प्रपोजल जून 2016 में दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कंसिडर नहीं किया गया। और जो दूसरे जगह को इन लोगों ने चिन्हित किया, वहाँ पे अभी तक कोई फंड नहीं रिलीज़ हुआ। सर, बिहार इज़ नॉट ओनली द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया, और सीमांचल किशनगंज का एरिया जहाँ पे 200 एकड़ दी जाने की बात थी, वो दैट इज़ द पुअरेस्ट इन बिहार। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अव्वल दरभंगा को जो इन्होंने सेलेक्ट किया, इनका राशि कब देंगे, और किशनगंज को आने वाले जो 22 एम्स की बात कर रहे हैं। सर, बिहार इज़ ऑल्सो द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया विद अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ पीपल। तो क्या किशनगंज को उस 22 में लेंगे,
और अगर नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे सर? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार को गरीब स्टेट नहीं रहने देना है। पूर्वीय भारत का आर्थिक भी विकास हो, सामाजिक व्यवस्थाओं भी हो और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ही बढ़े। आज तक तो यही ऐसी ही व्यवस्था थी कि किसी कोई पेशेंट बीमार है और उसको टर्शरी केयर की आवश्यकता है तो दिल्ली के सामने ही देखना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिसीजन किया गया कि देश में सभी क्षेत्र में एम्स का निर्माण हो, टर्शरी हेल्थ केयर मिले। इस वजह से बिहार में भी एक दिल्ली में जो एम्स है ऐसा एम्स बनाया जाएगा, फंड की कोई चिंता नहीं है। जैसे जैसे वहाँ काम आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी भी एक प्रोसीजर होती है, पहले डीपीआर बनता है, डीपीआर के बाद टेंडर होता है, टेंडर के बाद काम वर्क स्टार्ट होता है, वर्क के प्रोग्रेस के अनुसार फंड उपलब्ध होता है। इसलिए बिहार में कोई फंड की कमी नहीं रहने देंगे, वहाँ भी एक बेस्ट और उत्तम तरीके की वहाँ एम्स निर्माण होगी जो बिहार की जनता की हेल्थ केयर में उपयोगी होगा। श्री हर्षमृत बादल जी। शुक्रिया सर। सर, मैं आपके द्वारा पूछना चाहूंगी कि 2015 में बठिंडा में एम्स सैंक्शन हुआ था और उसको शुरू हुए भी आपके इसमें लिखा है कि ये 2019 से इसका ओपीडी चल रहा है। सर, अभी कोरोना के समय में जहाँ पूरी जगह महामारी थी, पंजाब में सबसे ज़्यादा फेटेलिटीज़ पंजाब में हुए थे, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद क्योंकि उसकी कंप्लीशन नहीं हुई है, उधर कोई इन हाउस पेशेंट्स नहीं रख सकते थे, सारी बिल्डिंगें तैयार थी, लेकिन मसा 20 से 40 पेशेंट कोरोना के वहाँ पे एडमिट हुए और बेचारे गरीबों को प्राइवेट में जाना पड़ा। दूसरी बात, ये इतना बैकवर्ड एरिया है कि यहाँ से आप सब जानते हैं ये ट्रेन चलती है कैंसर एक्सप्रेस, जो बीकानेर जाके वहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, जिस करके ये बठिंडा यहाँ पे लेके आए थे। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद अभी सिर्फ ओपीडी चल रही है, इसको कंप्लीट करके इन हाउस पेशेंट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, ये कब तक आपकी कंप्लीशन डेट है, उसके फंड्स पूरे होके पूरी रिक्रूटमेंट, ताकि पेशेंट्स इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा सके और बिल्डिंग ऐसे कंडम ना होती रहे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बठिंडा एम्स जो कि फेज 5 में शुरू किया था और उसका लगभग 95% काम आगे बढ़ चुका है। जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ की ओपीडी तो चालू है 2019 से, और आईपीडी की आपने मांग रखी है, ज़रूर अगले आने वाले दिनों में आईपीडी का भी शुरू करने का प्रावधान है, और वहाँ के एमबीबीएस क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं 19-20 की बैच से। हम चाहते हैं कि ये ज़रूर आगे बढ़े और सभी एम्स के लिए ये प्रावधान है कि विद इन टाइम लिमिट वो हो, और वो कंस्ट्रक्शन के लिए सर टाइम लगता है, तो ये विद इन टाइम लिमिट में होगा, ये हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, श्री के जी माधव जी। स्पीकर सर, द पोस्टमार्टम रूल्स प्रिस्क्राइब दैट इन डेथ्स वेयर होमसाइड, सुसाइड, रेप और फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड अलीज्ड और द बॉडी इज डीकम्पोज्ड, द डेड बॉडीज शुड ओनली बी एग्जामिन्ड ड्यूरिंग डेलाइट हवर्स, बट इफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज फ्रैजिल then the procedure can be expedited to be conducted after daylight hours. Can the minister clarify is what constitutes a fragile law and order situation and which authority will decide if the law and order situation is fragile? Maniye adhyaksh mahoday, jab पोस्टमार्टम की बात आती है तो पोस्टमार्टम पहले तो एक देश में यूनिवर्सल रूल्स यही था कि दिन में ही पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन बदलते समय में टेक्नोलॉजी बदली है। जब ये समय था और उस समय लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं थी तो रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बदली है, लाइट भी उपलब्ध हुई है, फॉक्स भी उपलब्ध हुआ, तो उसकी वजह से कई ऐसे केसेस है उसमें हम नाइट में सामान्य केस है तो रात्रि में भी हम ये अच्छा प्रयास कर सकते हैं, ये प्रयास। और उसके अलावा कई ऐसे केस है जिसमें विशेष
आवश्यकता होती है, जैसे कोई इंसिडेंट हो जिसमें कोई पुलिस कंप्लेन हो गई हो, जिसमें कोई बलात्कार हुआ हो, पैनल डिस्कशन पैनल पीएम की आवश्यकता हो, ऐसे क्राइटेरिया तय किया है। ऐसी स्थिति में दिन में करना है, वीडियोग्राफी के साथ पीएम करना है, जैसे कोई ऐसी लैप्सिस ना छूटे और कई ऐसी भी व्यवस्था, फॉर एग्जांपल किसी को अभी ऑर्गन डोनेशन का समय बदल आया है तो ऑर्गन डोनेट करके एक दूसरे व्यक्ति को अपनी नई जिंदगी दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में ऑर्गन की तो एक समय होता है, समय ज़्यादा चला जाता है तो फेल कर जाता है, बिगड़ जाता है, तो शॉर्ट टाइम में पहुंचाना होता है। तो ऐसी स्थिति में और तुरंत ही उसका पीएम करके ऑर्गन डोनेट करके दूसरे का जीवन बचे, इस तरह की व्यवस्था उसमें की गई है। माननीय सदस्य सर, द हैंड रिटन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वर ऑफन नॉट लेजिबल, अनलेस दे वर लेजिबल रिटन इट वुड नॉट be possible for non-medical people to understand the writings of the doctors and forensic experts. The certificates had to be read and understood for conducting investigation and deciding cases. Can the minister make amends to Thank the you. new protocol for postmortem procedures mandating doctors to provide typed postmortem reports? माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय भी महत्वपूर्ण है लेकिन उसका क्लेरिफिकेशन मांगा जा सकता है। नो, मंत्री जी, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हाथ से लिखी जाती है वो ठीक से नहीं लिखी जाती, तो इसको कंप्यूटराइज करा दे, मतलब ठीक रहेगा मुझे लगता है। उसमें मैं बताता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, बात सही है। कई बार हैंड राइटिंग होता है, मैंने लिखा हुआ हैंड राइटिंग मैं उसको पढ़ सकता हूँ, शायद दूसरा ना भी पढ़ सके, तो ऐसी स्थिति में कभी मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये भी हम सुनिश्चित किया है कि ऐसी स्थिति में उसको ट्रांसलेट और राइटिंग में टाइप करना है, कॉम्प्राइज करना है, तो वो उसके पास करवा सकते हैं। जो मुझे या तो कोई जज को या तो एक्सपर्ट को उसका क्लेरिफिकेशन चाहिए तो उसकी ही जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको टाइप करके लिख के दे, जैसे सुविधा हो सके और कोई दिक्कत ना हो। श्रीमती चिंता अनुराधा। थैंक यू स्पीकर सर। सर, अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई गिवन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर रिगार्डिंग द पोस्टमार्टम, द न्यू गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड फॉर कंडक्टिंग पोस्टमार्टम इन हॉस्पिटल्स आफ्टर सनसेट, बट टिल टुडे द रूरल एरियाज एस्पेशली आर सफरिंग रिगार्डिंग द पोस्टमार्टम and they don't have a right voice or a greater voice to debate with the doctors for the postmortem report, and the sufferers are the rural area people, sir. So do we have any special guidelines issued to the doctors specially all throughout the India? Thank you sir. Sir, hamari sarkar gramin logo ki awaaz jyada sunti hai, isliye ye decision hua hai ki gramin log ya universal desh mein koi bhi nagrik आसानी से उसको हेल्थ केयर भी उपलब्ध हो, उसके यहाँ किसी का डेथ हुआ हो तो डेथ को पीएम करना है तो भी वो दिन के कर सके और डेड बॉडी को अपने घर पे ले जा सके, और इसलिए यहाँ से परिपत्र किया गया है। सभी स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका संज्ञान दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करे, ऐसी एडवाइजरी की गई है। क्वेश्चन नंबर 189 श्री रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो US सैंक्शंस चार बार ईरान के ऊपर लगाए गए हैं, उसका चार बार पोर्ट से के जो हमारे काम चल रहे थे उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ईरानी लोग ये बोल रहे हैं, ईरानी जो वहाँ का गवर्नमेंट है वो पब्लिकली ये कह रही है कि हमारा चार बार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बुरी तरह से डिले हो गया है, तो क्या ये सैंक्शंस जो लगाए गए हैं इनका प्रभाव इस प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है? यदि पड़ रहा है तो उसका क्या हल निकाल रहे हैं, और हमें ये भी जानकारी है कि इसका फायदा उठा करके चाइना जो है इस पोर्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर के उसके इसके ऊपर काम करने का प्रयास कर रहा है, रेल लिंक के साथ तो कर ही चुका है। Through your medium, I would like to inform the honorable member that his assertion is completely inaccurate. This agreement was signed in 2016. We took possession of the terminal in 2018. We have already supplied 6 cranes.
The port is, the terminal is fully functional. We have given details of how much cargo it is handling, how many countries it is covering, and the US sanctions are not relevant to this project at all. मेरा दूसरा सवाल माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से ये है कि इस पोर्ट का इस्तेमाल जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को और अफगानिस्तान को भी आपने अपने आंसर में दिया है कि वहाँ पे मदद देने के लिए चाहे वो वीट की हो या किसी और चीज़ की हो उसका इस्तेमाल किया जाता था. क्या इस समय जो ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट का टेक ओवर हो गया है तालिबान द्वारा, क्या कोई बैकडोर आपने अग्रीमेंट किए हैं ताकि ये मदद वहां पे होती रहे? यदि ऐसी कोई अग्रीमेंट हुए तो उसको बताने का. आप संबंधित प्रश्न पूछे. सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द ऑनरेबल मेंबर दैट चाबहार पोर्ट ऑल आर अग्रीमेंट्स ऑन इट्स ऑपरेशंस आर लिमिटेड टू ईरान. ओरिजिनली देयर वाज अ ट्राइलैटरल अग्रीमेंट बट दैट वाज द बेसिस टू सेट इट अप. In terms of port operations, we are not required to have any agreement with the government of Afghanistan, and I assure you the port is functioning and functioning well. 190 Advocate A.M. Arif ji. Zero. The statement is laid on the table. Sir, as we know, the NRI are big contributors to the in our Indian economy. Sir, will the government consider to include more projects in Atmanirbhar Bharat package for these NRIs who's returned back to India? Prashnakal samapt ho gaya hai, aap bata dein. With regard to the workers who have come back, NRIs who have come back to India, sir, our focus is on trying to get them back, in restoring their jobs, in making sure that the payments which are due to them are given back. So that has been very much the focus of our activities, and the full details are given in my answer.